तीन चार घंटों से इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह कृषि विज्ञान केंद्र 2016 में यहां के किसानों को तकनीकी जानकारी देने और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि क्षेत्र के किसान तो अपनी मेहनत और अपनी पुरुषार्थ से स्वतः ही अपने आप में एक वैज्ञानिक है। सब्जी की बहुत अच्छी खेती यहाँ के किसान करते हैं और उनके द्वारा सब्जी उत्पादन करके अच्छी आमदनी भी की जाती है और यहां से गोरखपुर के लिए भी सब्जी की सप्लाई होती है। लेकिन एक केंद्र में कृषि से संबंधित सभी अन्य क्षेत्रों में, एक खेती बाड़ी का हो, बागवानी का हो, सब्जी का, साग भाजी का हो, पशुपालन में उन्नत नस्ल के गोवंश के लिए हो, मत्स्य पालन का हो, गन्ना उत्पादन का हो या फिर उनकी प्रोसेसिंग का, इन सब से संबंधित जानकारी एक ही जगह पर एक केंद्र में प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन सरकार की मंशा है और महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र उसका माध्यम बन रहा है। भरोइया, कैंपियरगंज और जंगल कौड़िया विकास खंड के सैकड़ों किसान इसके साथ जुड़कर के प्रशिक्षण ले रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन भी देख रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है जिसमें यहां के किसानों के प्रशिक्षण के लिए, किसानों के आवासीय व्यवस्था के लिए और यहां पर नए तरीके से खेती को हम लोग किसान के लिए उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इसके लिए इस कृषि विज्ञान केंद्र में तमाम योजनाओं का लोकार्पण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बात को मानना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती बाड़ी में देश की अधिकतर जनता लग करके न केवल अपनी आजीविका को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं बन सके, इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि कुशीनगर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इसके लिए धनराशि हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं। बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में और विराटता को लेकर के प्रत्येक किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। आज आप देख रहे होंगे किसानों के लिए अनेक योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में देश की बागडोर संभालते हैं तो पहला काम उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड से जारी किया था कि सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हर किसान को पता लगना चाहिए। अब तक हम मनुष्य के हेल्थ का कार्ड जारी करते थे लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है उस धरती माता के हेल्थ की चिंता किसी को नहीं थी। वह चिंता थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को थी और उन्होंने इसके लिए सॉयल हेल्थ कार्ड की फ्री में व्यवस्था की। आज भी आपने देखा होगा मंच पे हम लोगों ने कुछ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड के किट वितरित किए जिससे हेल्थ कार्ड वे बना सके, देख सके और उसका प्रशिक्षण लेकर के लोगों को इसकी जानकारी दे सके, लाभान्वित कर सके। इसके साथ ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को मिले, जहां इस पर प्रधानमंत्री जी ने पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए देश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की एक नई पॉलिसी के माध्यम से लागत का 1.5 गुना दाम
हर किसान तक पहुंचाने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया, वहीं हर किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सालाना हर किसान को 6,000 रुपए मोदी जी की ओर से प्राप्त होंगे। यह कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर 2,62,00,000 किसानों को इस योजना का लाभ विगत 4 वर्षों से निरंतर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, एक तरफ एक सरकार जिसने खेती और किसानी को आज जो किसान पढ़ाई कर रहा था, उस खेती और किसानी को उन किसानों के जीवन में परिवर्तन का कारक बनाया है, तो दूसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार के अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी हुआ है। आपने देखा होगा यही कृषि विज्ञान केंद्र में यहां पर गन्ना के लिए भी एक प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया, गुड़ बनाने का नए नए तरीके अपनाने के लिए। अब तक हम जो परंपरागत रूप से बनाते थे उससे हटकर के भी उसकी पैकेजिंग भी हो सकेगी। और प्राकृतिक खेती तो हम लोगों को जीरो बजट खेती में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की कमी को यानी इसको पूरी तरह धीरे धीरे समाप्त करके अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे तो इससे न केवल फर्टिलाइजर केमिकल और पेस्टिसाइड की बचत होगी, उतना पैसा किसान का बचत होगा, बल्कि बीमारियों से भी बचाव करने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। और उत्तम स्वास्थ्य यह हमेशा समृद्धि का माध्यम बनता है, ये भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से इस बात को स्वीकारा है। आज हम सब यहां पर इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर के आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महायोगी गोरखनाथ ये कृषि विज्ञान केंद्र इस क्षेत्र के हमारे प्रगतिशील किसानों को निरंतर प्रशिक्षित करते हुए उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक होगा। तमाम हमारे यहाँ पर वैज्ञानिकगण आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं। यद्यपि आज सुबह से ही बारिश पड़ने के कारण कार्यक्रम में थोड़ी बहुत व्यवधान पड़ा, लेकिन उस सब के बावजूद आपका उत्साह इस बात को प्रदर्शित करता है कि नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र में कृषि और कृषि जैसे क्षेत्रों को भी हर नागरिक के लिए, हर किसान के लिए उपयोगी बनाने में सहायक होंगे। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये केंद्र उस दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ आप सबको जोड़ने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से चौक, बढ़िया चौक, माथाबाड़ी और आसपास के जितने भी यहाँ के नागरिक गण हैं, किसान बंधु आए हैं, उन सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। जिन किसानों को आज यहाँ पर तमाम प्रकार के किट और सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, उनको बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि वे भी अपने यहाँ एक मिनी प्रयोगशाला स्थापित करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेंगे, किसानों की मदद करेंगे। तो हम प्लान कर रहे हैं किसानों को भी खेती को उत्तम रोजगार के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन का एक माध्यम बना पाएंगे। आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।